बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाज़रीन, स्पेन की गवर्नमेंट ने कुछ दिनों से अब बच्चों को 1 घंटे के लिए बाहर जाने की परमिशन दे दी हुई है कि बच्चे किसी बड़े के साथ सुबह 9 से रात 9 के दरमियान 1 घंटे के लिए बाहर जा के खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, फ़ुटबॉल के साथ खेल सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों को मैंने गली में देखा, वो अपनी माँओं के साथ बाहर घूम फिर रहे थे। तो बच्चे काफ़ी, मेरे बेटे को भी जब मैंने इतने, अब जाहिर है वो तकरीबन 1.5 महीना हो गया वो घर में कैद था, जब उसको कहा कि बाहर चलें तो वो भागते हुए बाहर चला गया और सीढ़ियाँ उतर गया, और सभी बच्चे बहुत खुश थे। अब अगर तो सूरत हाल बेहतर रही बीमारों की, या इस मर्ज़ की पेशेंट्स आने कम हुए, या सूरत हाल कुछ बेहतर रही, तो 2 मई के बाद मज़ीद है कि ये नरमी की जाएगी लॉकडाउन में, कुछ इस तरह के और इकदाम उठाए जाएंगे, जैसे कि मे बी कुछ बूढ़े हजरात को बाहर जाके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की परमिशन दी जाए या कुछ इस तरह का। लेकिन कुछ बड़े शहरों में ये भी देखने में, बच्चों को जो बाहर लेके जाने का ये था ऑप्शन, इसको गलत इस्तेमाल किया है। लोग बच्चों के बहाने ख़ुद भी बाहर पुरहजूम जगहों पर चले गए और वहाँ पे बिना मास्क पहने तो घूम फिर रहे थे पार्क्स में, गलियों में। और ये भी हो सकता है कि इस सूरत हाल को देख के गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्ती भी कर दे, या थोड़े से रूल्स जो हैं वो बाहर जाने के चेंज भी कर दे। तो ये सारी सूरत हाल हम इंशाल्लाह अगले दिनों में देखेंगे कि क्या बनता है और हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। और आप भी कोशिश करें कि बच्चों को अगर बाहर लेके जाएं तो बच्चों को प्रॉपर मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह पहना के लेके जाएं, तो वापस आके उनके हैंड्स वगैरह आपको पता है धुलवाने और शूज़ चेंज करने हैं। तो बाकी अल्लाह हैर करे, हालात बेहतर हो जाएंगे और सब चीज़ें नॉर्मल हालात पे आ जाएंगी। तो रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि इतनी अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई बारिशों की वजह से, तो ज़्यादा जो है वो भूख प्यास का भी इतना नहीं, और बाहर जाने का भी काम नहीं है, और कोई जॉब वगैरह पे कामों पे जाने का भी नहीं, तो घरों में बैठ के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, इबादत के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। तो ये अल्लाह का एक बड़ा करम है। लें जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। किचन में रात को साफ़ करके सोई थी ताकि सुबह उठ आपका काम कम हो और आप डायरेक्ट सहरी बनाने पर लग जाएँ। तो चूल्हा ऑन करके तवे को हमने पहले धोना है। तवे को हमने धो के तो रख दिया है चूल्हे पे, जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम बना लेंगे लस्सी। लस्सी सहरी में पंजाबियों की तो एक नाश्ते में बल्कि खास पहचान है, तो वो ज़रूर पंजाब में पी जाती है। और मैंने वैसे ज़िंदगी में आज तक लस्सी या दही को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी। थोड़ी सी चीनी डाल के मीठी, दही भी मीठा है और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे तो मीठी लस्सी बन जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोटियां बनाना। हस्बैंड मेरे तो सूखी रोटी खाते हैं फुलका, उनके लिए 2 रोटियां बनाऊंगी, 2 या 3 एक एक्स्ट्रा बना लूंगी, और अपने लिए मैं पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो तकरीबन मेरी सहरी में होती 2 चीज़ें हैं, पराठा सालन के साथ और चाय। इसके अलावा मुझे नाश्ते में या सहरी में या कुछ भी पसंद नहीं है, पराठे के साथ सालन और उसके साथ चाय मैं लेती हूँ। तो अपने लिए मैं पराठा बना, oh,
रोटियां भी मेरी ऐसी फूल रही हैं जैसे आजकल क्वारंटाइन में बैठे बैठे लोग फूले जा रहे हैं। तो रोटियां हमारी बन गई हैं और अब ये मेरा पराठा देखें, ये भी हो गया है तकरीबन रेडी। इसको मैं रखूंगी, ये गोभी गोश्त का सालन रात को बनाया था मैंने। सालन मैं रात को बनाती हूँ, एक दिन सालन बनाती हूँ और फिर उसको 2 दिन सहरी में हम खा लेती हैं, क्योंकि वो दिन को तो खाया नहीं जाता, सिर्फ सहरी में सालन इस्तेमाल करना होता है। तो वो इतना बन जाता है कि 2 दिन मेरे इस्तेमाल हो जाते हैं। एक दिन आटा गूंथती हूँ वो 2 दिन चलाती हूँ, फिर एक दिन रात को सालन बनाती हूँ वो 2 दिन चलाती हूँ। तो अफ्तारी के बाद मेरे मेन यही काम होती हैं कि अफ्तारी के बर्तन धोने के बाद आटा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि सालन बना होता है अगले दिन का, और जिस दिन सालन बनाती हूँ उस दिन आटा नहीं गूंथती। तो उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के, तो ये मेरी अफ्तारी के बाद की रूटीन होती है। और अभी जब तक अपने लिए अंडा भी साथ फ्राई कर लेती हूँ ताकि सालन के साथ कुछ हेल्दी भी हो जाए। और जब तक हम सहरी करेंगे तब तक मैं ऊपर चाय रख देती हूँ, चाय हमारी रेडी हो जाएगी हमारी सहरी करने तक। और चाय और बिरयानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं भी उनका, मैं ख़ास तौर पे जब कोई जिक्र भी करे कि मैं चाय पी रहा हूँ या मैं चावल खा रहा हूँ मुर्गी वाले या बिरयानी वाले, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, या किसी के हमसायों के घर से खुशबू भी आए तो मेरा दिल करने लग जाता है और मैं फ़ौरन ही बनाने बैठ जाती हूँ। तो चाय और बिरयानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी कमज़ोरी है, और मैं कहीं से भी किसी से भी इनका नाम भी सुनो तो मेरा खाने का दिल करता है तो मैं बनाने लग जाती हूँ। और ये तो थी एक मजाक की बात। और चाय के बाद सहरी हो गई है बंद, दिन को इंशाल्लाह मेरा अच्छा सा रोज़ा गुजरे, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ अफ्तारी की रूटीन। अफ्तारी में मैं पहले भी जैसे पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि कुछ ना कुछ हेल्दी ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि फ्राई चीज़ों के साथ कुछ हम हेल्दी खाएंगे तो हमारे सारे दिन की जो एनर्जी है, जो हमें कमज़ोरी हुई होती है, वो हमारी एनर्जी वापस आ जाएगी, बहाल हो जाएगी, और हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहेगा जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। तो फ्रूट्स और फ्रूट चाट वगैरह जो है वो बहुत इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप रोज़ एक ही चीज़ खाएंगे फिर भी आप बोर हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट टच देते रहें। तो आज मैं फ्रूट चाट की जगह बनाऊंगी ट्राइफल, जैसे ज़्यादा से फ्रूट्स इस्तेमाल करके उनके अंदर कस्टर्ड डाल दूंगी और मेरा ट्राइफल बन जाएगा। तो ट्राइफल के लिए हमने क्या किया है कि मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए हैं, जिनमें एप्पल है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है और अंगूर है। अब हम काट के फ्रूट्स को एक साइड पर रख के तो साथ में कस्टर्ड बना लूँगी। कस्टर्ड के लिए जब दूध डाला है, दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और जब दूध बॉयल हो जाएगा तो एक जो थोड़ा सा दूध हम ठंडा दूध हमने कप में रखा हुआ है उसके अंदर हम 2-3 बड़े चमचे भर के कस्टर्ड डालेंगे। ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड है, इसको मिक्स करके तो आप पैन में डाल देंगे जिसमें आपका दूध बॉयल हो रहा है, तो आपका कस्टर्ड रेडी है। इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर हम इसको लगाते हैं अपने बर्तनों में, चाहे आप डोंगे में आप इसके लेयर्स लगा लें, चाहे आप इसका, कुछ लोग जैसे नॉर्मल ट्राइफल में नीचे हम केक लगा सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की ड्राई फ्रूट्स की लेयर्स लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि अफ्तारी में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल हो तो मैं सिर्फ फ्रूट की लेयर्स लगाऊंगी, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ।
फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ठंडा होगा तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही हेल्दी होगा। और ज़रा मेरी गार्निशिंग चेक करो, हाँ, उत्ते स्ट्रॉबेरी लगा के। और ये जो बाकी फ्रूट बच गया है, इसकी मैं अपने लिए बना लूँगी स्मूथी। को फ्रिज में रखने के बाद हम आते हैं फ्राई चीज़ों की तरफ। ये मैंने नेट से एक कितने दिनों के देखे हुए थे स्पाइरल समोसा, हालांकि दूसरे समोसे भी मैंने वो जब हमने रमज़ान की तैयारी वाला व्लॉग बनाया था तब दिखाए थे कि फ्रीज करके रखे थे, लेकिन ये स्पाइरल समोसा आजकल बड़ा ट्रेंड में है। मैंने बनाया है लेकिन मेरा इतना अच्छा नहीं बना, मेरा तो डोनट की तरह बन गया। हाँ, टेस्ट में बहुत अच्छा है था, लेकिन इसकी शेप जो है वो एक किस्म की डोनट, हालाँकि मेरा बच्चा इसको डोनट ही समझ रहा था, नमक वाला डोनट। स्पाइरल समोसे बनाने के लिए हमने आटे को गूंद लिया था सहद सा करके, और साथ में उसकी फिलिंग तैयार कर रही थी, जो कर ली थी मैंने आलू और चिकन के कीमे की, उसके अंदर धनिया मसाला जात जितने भी आपके टेस्ट के मुताबिक हैं वो डाल के, तो वो एक प्लेट में रख लिया है। और आटा जो है उसकी हम छोटे छोटे पेड़े लेंगे और उसकी बारीक बारीक सी रोटियां बेलेंगे, जैसे हम नॉर्मल समोसा बनाने के लिए बेलते हैं। तो रोटियां बेलने के बाद असल इसकी क्या टेक्निक है, ये टेस्ट में वैसे ही है लेकिन ये शेप में थोड़े डिफरेंट होंगे। आप देखिए, रोटी बिल्कुल बारीक करने के बाद आपने एक चम्मच से एक साइड पे इस फिलिंग जो है वो रखनी है इस तरह बिल्कुल लंबी फैला के, तेज छुरी को लेकर कट हमने इस तरह लगाने हैं कि हम फिलिंग से स्टार्ट करके जहाँ पे हमने रखी थी तो बिल्कुल रोटी के किनारे तक कट लेके जाएंगे। उसको बिल्कुल सारी कट नहीं करनी, आहट से किनारे जो हैं वो उनको बंद ही रहने देना है। तो ये कट लगा के सारे हम कट लगा लेंगे, तो उसके बाद हम इसको करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हम इसको आप देख लें इस तरह एकदम से राउंड कर लेंगे, और ये एक स्पाइरल समोसा या आप कह लें डोनट की शेप का समोसा आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे और उसके बाद हम इनको करते हैं फ्राई। ये देखें, इसी तरह एक एक करके हम ये तैयार कर लेंगे, और ये मैं तकरीबन 4 से 5 बना लूँगी। फिलिंग आपकी मर्ज़ी है, आप आलू की डालें, कीमे की, चिकन की, जिस तरह भी आपको पसंद है। और रोटी को ये कोशिश करें कि आटा आपका बहुत ज़्यादा ढीला ना हो, सहत आटा, जितना आटा आपने सहत गूंदा होगा उतना ही अच्छा बनेगा। और फिलिंग आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इस तरह हम इसको लंबा फैला लेंगे, वैसे ही हम कट लगाएंगे और इसको गोल शेप में बना लेंगे। इसको अगर आप थोड़ी देर बाद में फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉलिड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप समझती हैं कि आपका ये चिपक रहे हैं प्लेट के साथ तो आप इनको फौरन ही फ्राई कर लें, ताकि अगर ये आपके साथ चिपकेंगे जब आप इसको उठाएंगे तो ये प्लेट के साथ ही सारा इसका खुल जाएगा और मसाला बाहर निकल जाएगा। जी देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है, और ये देख लें, ये फूड फ्यूजन की वीडियो थी जिसको देख के मैंने ये बनाने की कोशिश की है। हाँ, उनकी शेप ज़रा परफेक्ट बनी है और मेरी शेप क्योंकि प्लेट से उठा के फ्रायर में डालने तक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो ये मेरे इस तरह के बन गए हैं। ये आपने अगर ट्राई करनी है तो आप ज़रूर ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हम नेट से देखें वो हमारी वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही शेप और वैसे ही टेस्ट के साथ बने, हमारी थोड़ी सी डिफरेंट बनती हैं। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करती हैं, उसको ज़्यादा दफ़ा बनाती हैं, तो फिर आपकी बहुत अच्छी बिल्कुल उसी तरह की बन सकती है। मैं बनाऊँगी सहरी के लिए सालन, और ये एक मेरा बहुत ही ख़ास चिकन वाइट चिकन हांडी है, जो कि मेरी जिसको भी मैंने खिलाई है उसको बहुत पसंद आती है। आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी, और ये सहरी में पराठे के साथ और वैसे भी एक नॉर्मल रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं। लें जी, वाइट चिकन हांडी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, और तकरीबन 2 ये जो डबियाँ हैं नेचुरल योगर्ट की बिल्कुल शुगर के बगैर, हरी मिर्चें और बादाम छिले हुए, आप काजू ले सकती हैं, बादाम ले सकती हैं, अखरोट, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें, प्याज 2 जिनको मैंने काट के रख लिया था, ऑयल 1 कप, और ये टमाटो, एक बड़ा टमाटर जो है उसको मैश करके रख लिया है, ये एक क्रीम जो बिल्कुल सादी फीकी क्रीम है
उसका एक पैक, ये अदरक लहसुन पेस्ट जो कि हमने घर में बना के रखा था, ये सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक 1 चम्मच, ये मेथी, ज़ीरा और काली मिर्चें। ये आपने जो काली मिर्चें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इसमें। सुरह मिर्चें आपने थोड़ी सी डालनी है, लेकिन काली मिर्चें आपने ज़्यादा डालनी है। ये योगर्ट जो है, दही जो है, वो हम उसको चिकन में अच्छी तरह डाल के, सुरख मिर्चें डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डाल के, तो इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। ये जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा फ्रिज में, जब तक हम इसको रखेंगे तब तक हम एक देगची लेते हैं। ये जो बाकी का अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और मिर्ची हमने बचाई हैं, ये अब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह मिक्स करके तो फ्रिज में रख देंगे। एक डेगची में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के उसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम बादाम डाल देंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो के ब्राउनिश हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा काला आपने इसको नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन करना है, और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी तो इनको निकाल लेना है ब्लेंडर में। आप ये देख लें, ये प्याज़ और बादाम हमारे हो गए हैं ब्राउन। इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे और ज़रा ठंडे होने पर हम इनको पीस लेंगे। तब तक हम ये जो बाकी का बचा देगची में ऑयल है, उसमें जो हमारा अदरक लहसुन पेस्ट चम्मच बच गया था वो डालेंगे, और उसके साथ ही अपना फ्रिज में रखा हुआ जो चिकन है जिसमें हमने दही और मसाले लगा के रखे थे, वो हम डाल देंगे इसी ऑयल में। इसमें डालने के बाद इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद 7-7 चम्मच इसकी हलाती जाएं, और 15 से 20 मिनट के बाद इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा। तो जब पानी इसका सारा खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें बाकी बची हुई चीज़ें हैं, मसाले हैं, वो हम डाल देंगे। अभी इसमें हम इसमें डालेंगे नमक, बाकी का जो हमारा सूखा धनिया, और उसके बाद हम डाल देंगे ज़ीरा। साथ ही हम डाल देंगे इसके पिसी काली मिर्चें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे, हमने जो प्याज और बादाम पीस के रखे थे ब्राउन किए हुए, वो डाल देंगे। और ये देखें, इसी से हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। इनको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम अपना पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद
टमाटर को भूनने के बाद इसमें अपना जो हमने क्रीम का हमारा पैक था वो एक पूरा पैक इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इंतज़ार करना है कि हमारा जो अजाफी पानी और जो क्रीम के अंदर पानी था वो सारा खुश्क हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी मेरी सहरी टू इफ्तारी रूटीन। आप भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कमेंट्स में, और मुझे बताएं आप क्या क्या डिशेस नई ट्राई करती हैं और वो कैसी बनती हैं, उनकी पिक्स शेयर कर सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी अगर इफ्तारी में रोज़े में अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास फ्री टाइम हो, तो आप मेरी वीडियोज़ को वॉच किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफिज़।